हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं आप सब लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, अभी एक न्यूज़ आई थी भर्ती से रिलेटेड, अभी अखबार में आई है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं। उसमें बताया गया है कि 35,000 से अधिक पद आएंगे और इसके लिए शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया गया। अब ये बात कितनी सही है कितनी नहीं, ये तो पता नहीं है, लेकिन हम देखो आपको वो अखबार की कटिंग लाए हैं, वो दिखाते हैं कि उसमें क्या बताया गया है। चलिए देखते हैं। तो आइए दोस्तों, यही वो कटिंग है जिसमें बताया गया है। देखिए, बताया गया कि यूपी पुलिस में 35,000 की भर्ती जल्द भेजा प्रस्ताव। प्रदेश सरकार पुलिस महकमे में फिर भर्तियां करने की तैयारी में है। इस बार पुलिस में कांस्टेबल के 35,000 से कुछ अधिक पदों पर भर्ती होगी। भर्ती की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होनी संभावित है। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक बोर्ड ने इसके लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है। शासन से प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद अध्यादेश जारी होगा, जिसके बाद भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। दोस्तों, अब ये बात अखबार की या अखबारी कटिंग में बताई गई बात कितनी सही है ये तो पता नहीं है, लेकिन दोस्तों ये ज़रूर है कि भर्ती ज़रूर आनी है। हाँ, लेट हो रही है, इसका कारण समझ नहीं आ रहा लेट क्यों हो रही है। तो भर्ती लेट ज़रूर हो रही है, लेकिन भर्ती आनी ज़रूर है दोस्तों। इसलिए ये मत सोचें कि भर्ती नहीं आ रही है, हम पढ़ाई करना बंद कर देंगे। दोस्तों, पढ़ाई करते रहें, क्योंकि जब भर्ती पास में आ जाती है तो फिर हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो पाती है कम दिनों में। अभी हमारे पास बहुत ही समय पड़ा हुआ है, हम अभी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, अच्छे से सिलेबस को कवर करेंगे, उसके बाद उसके प्रैक्टिस सेटों को लगाएंगे और धीमे धीमे अच्छे से करना सीख जाए, अच्छा स्कोर करने लगेंगे। क्योंकि दोस्तों, अब इतना कंपटीशन चल रहा है, इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि आप अगर सोचो कि 1-2-3 महीने में तैयारी कर लेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए दोस्तों, पढ़ाई करते रहें, तैयारी करते रहें। बाकी अगर कोई भी न्यूज़ निकल के आती है हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।